हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट थ्री, संज्ञा एवं उसके भेद के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं और उसके भेद कितने होते हैं। रेशमी, देखो दीपा कितने सुंदर फूल हैं। दीपा, अरे हाँ रेशमी, ये तो सचमुच बहुत सुंदर है। रेशमी, इन फूलों की सुगंध सारे वातावरण को सुगंधित कर रही है। दीपा, हाँ, और ये देखो रंग बिरंगी तितलियाँ। रेशमी, अरे वाह, फूलों पर भंवरा भी मंडरा रहा है। दीपा, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, आज तो मन प्रसन्नता से भर गया, खुशी से भर गया। यहाँ कुछ वार्तालाप कर रही है रेशमी और दीपा आपस में। बच्चों, चित्र देखने तथा वार्तालाप को पढ़ने से हमें पता चला कि यहाँ बहुत सारे नाम आए हैं, जैसे दीपा, रेशमी, फूल, तितलियाँ, भौंरे, सुगंध, हरियाली, प्रसन्नता आदि। ये सभी किसी न किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के नाम हैं और नाम को संज्ञा भी कहते हैं, अतः ये सब संज्ञा शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या सभी नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक पहला, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम पहले समझेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशेष के नाम को, यानी विशेष जो खास हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में मुंशी प्रेमचंद, महाराणा प्रताप, अटल बिहारी वाजपेयी। स्थान, हिमालय, शिमला, हरिद्वार। वस्तु, तिरंगा, कोहिनूर, भगवत गीता। ये वस्तु में आ गए, ये विशेष प्रकार के वस्तु हैं जिनके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। चलिए अब जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, प्राणी में बकरी, बकरी से सभी प्राणी जाति का बोध होता है। जैसे बकरी, कबूतर, बच्चा। वस्तु, वस्तु से सभी वस्तुओं का बोध होता है, जैसे मेज, पेड़, अमरूद। स्थान से सभी जगहों का बोध होता है, जैसे बैंक, बगीचा, नदी। भाववाचक संज्ञा। गुण, भाव, स्वभाव एवं दशा का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बचपन, हंसी, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द जैसे मिठास, हंसी, बचपन आदि का हम केवल अनुभव करते हैं, हम इन्हें छूकर या पकड़कर नहीं देख सकते हैं। ये सभी शब्द किसी भाव या दशा के नाम हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा तथा अन्य सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि शब्दों से भी बनाया जाता है। जैसे शब्द और इसका भाववाचक शब्द, माता, मातृत्व, मित्र, मित्रता, सज्जन, सजनता, अपना, अपनापन, पराया, पर्यापन। ये शब्द हो गया, इसका भाववाचक शब्द यहाँ दिया हुआ है। ये भी शब्द दिया, इसका भाववाचक शब्द यहाँ दिया गया है। जैसे ऊंचा, ऊंचाई, सुंदर, सुंदरता, ये शब्द है इनकी और इसके भाववाचक ऊंचाई, सुंदर का सुंदरता, मूर्ख का मूर्खता, मूर्खता, मोटा का मोटापा, कंजूस का कंजूसी। उसी तरह धोना का धुलाई, चढ़ना का चढ़ाई, गिरना का गिरावट, लड़ना का लड़ाई, फूलना का फुलावट,
उसी तरह यहाँ लिखा है, लिखना का लिखावट, उदास का उदासी, बुढ़ा का बुढ़ापा, क्रोध का क्रोधी, गर्म का गर्मी। इस पर आपसे पूछा जाए कि चढ़ना का भाववाचक शब्द क्या होगा, तो चढ़ाई होगा। गिरना का भाववाचक शब्द क्या होगा, तो गिरावट होगा। बुढ़ा का भाववाचक शब्द क्या होगा, तो बुढ़ापा। क्रोधित का क्या होगा, क्रोध। गर्म का गर्मी। ये भाववाचक शब्द आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, कोई भी आपसे पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।